एक तरफ जहां लोग नौकरी की तलाश में विदेशों में जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के बिजलपुर पंचायत के कटैया गांव के रहने वाले विधान चंद्र राय अपने गांव में ही विदेशी फलों की खेती कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। विधान चंद्र राय ने बताया कि वह अपने बगीचे में हरिमन 99 सेब, थाईलैंड का सेब, स्टार फ्रूट, गुलाब जामुन, अफगानी अनार के साथ कई तरह के विदेशी फल लगाए हुए हैं। इन फलों की खेती से लाखों की कमाई भी हो रही है, लोग भी नए तरह के फलों का स्वाद चख रहे हैं। सेब फल गया है, साल भर में फलने लगा, अब 3 साल हो गया है, पूरा फल दे रहा है, इससे फायदा भी खूब हो रहा है, इसमें खूब लाभ हो रहा है। किसानों को कहना चाहते हैं कि ये इसका खेती करे सेब का, तो इसे लाखों रुपया सालाना आमदनी होगा। बेरोजगार युवक जो है, इसमें 5 आदमी को हम, 5 लेबर को इसमें रोजगार देते हैं डेली, इसे और इसमें लागत जो है 1 एकड़ में 3 लाख करीब सालाना लग जाता है मेंटेन में। इसलिए इसको हर आदमी लगावे, हर किसान लगावे, हर किसान खुशहाल हो जाएगा यहाँ का, बिहार का। किसान विधान चंद्र राय ने बताया कि वह हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे, जहां उन्होंने बड़े पैमाने पर अलग तरह के सेब की खेती होते हुए देखी, जिसके बाद उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने उन फलों के बारे में जानकारी ली और फिर नर्सरी से उन फलों का पौधा मंगवाया और उनकी खेती करनी शुरू कर दी। पहले उन्होंने ट्रायल के रूप में पौधे लगाए, सफलता मिलने के बाद बड़े पैमाने पर खेती की और फिर धीरे धीरे फलों के बारे में दूसरे लोगों को भी जानकारी मिली तो उन्हें भी हैरानी हुई। किसान विधान चंद्र राय बताते हैं कि यह पेड़ साल में 5 बार फल देते हैं, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाती है। अगर बिहार के किसान गेहूं चावल के साथ साथ इन फलों की खेती भी करेंगे तो उन्हें काफी लाभ होगा। हम हिमाचल गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ जो देखे ना सेब और सब तरह का, तो वहीं से प्रेरणा मिला कि ये सेब जो है हरिमन 99 स्टार फ्रूट, थाईलैंड वाला सेब, अनार जो है, ये सब जो है गर्म प्रदेश में भी ये सेब हो सकता है, और सेब जो होता है कश्मीर में ठंडा प्रदेश में होता है, मगर ये 55 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस पे तापक्रम पे भी ये हो जाएगा। इसलिए वहाँ से हम उससे प्रेरणा लिए और उससे पौधा मंगवाए और गृहस्थ सबको भी बताए, किसान जित जो है कि यहाँ जो है बहुत गरीबी से जूझता है, गेहूँ चावल जो उपजाता है गेहूँ, और उसमें फायदा नहीं होता है, उसमें जितना लागत लगता है उतना रिटर्न नहीं आता है। विदेशी सेब देखने में छोटे लगते हैं, उनका रंग हरा होता है, लेकिन वह खाने में काफी स्वादिष्ट होते हैं। इस तरह के फलों की खेती 50 से 55 डिग्री तक में हो सकती है। कृषि विभाग के अधिकारी भी किसानों को इन फलों की खेती का प्रशिक्षण देने आते हैं। इधर स्थानीय ग्रामीण सुशील कुमार राय ने भी बताया कि विधान चंद्र राय काफी उन्नत किसान हैं, वह दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। विधान राय का बगीचा है, ये काफी प्रोग्रेसिव किसान है, ये बिजनेसमैन के साथ साथ बड़े किसान भी हैं। ये तरह तरह के ड्राई फ्रूट, सेब, हरमन 99 बड़े पैमाने पर लगाए हुए हैं, और अब तो 1 साल के बाद उसमें कुछ में फूल आना भी शुरू हो गया है और फल भी आ गया है, और स्टार फ्रूट, थाईलैंड सेब, काजू वगैरह का भी सभी लगाए हुए हैं, तरह तरह का नींबू भी लगाए हुए हैं, तो इससे इसको आमदनी अच्छी होती है और कुछ लेबर को भी रोजगार मिल जाता है इनसे। गांव में भी इसका बड़ा ये चर्चा है, लोग आते हैं इनसे सीखने, सीख कर जाते हैं, कुछ लोग लगाए भी हैं, इनके मार्गदर्शन में कुछ लोग लगा भी रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट।